गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जो है अपनी बुक का चैप्टर 4 जो है दो कविताएं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले ये समझाया था कि इस लेसन के जो लेखक हैं या कवि हैं उनके बारे में आपको बताना था और उनका जीवन परिचय क्या है। ये चीज मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था पिछली क्लास में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दो कविताएं किस कवि की कविता है तो आप जो है क्या बताएंगे कि दो कविताएं जो कविता है वो नागा अर्जुन जी के द्वारा रची है और इस कविता को पढ़ने से पहले हमने आपको ये भी समझाया है कि नागार्जुन जी का यदि आपसे जीवन परिचय या किसी भी कवि या लेखक का कभी भी जीवन परिचय बताया जाता है या पूछा जाता है तो उसको आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है कि इस लेखक का या इस कवि का जीवन परिचय आप समझाइए। तो आपने नागार्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में आपने पढ़ा, नागार्जुन जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था, उनके बचपन का नाम बैजनाथ जोशी और उनका जन्म 1911 में जेठ मास पूर्णिमा जो होती है जेठ मास की पूर्णिमा में ग्राम तरौनी जिला दरभंगा जो कि बिहार में पड़ता है वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले। सतीश पांडे जी मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बच्चों जो हमारी क्लास चल रही है उसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। ओके, तो हमने अभी आपको जो है क्या समझाया कि किसी कवि का या किसी लेखक का जो जीवन परिचय होता है उसको हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको कभी भी एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि ये मेरी भावना जो कविता है ये आपकी बुक की ही है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, जुगल किशोर युगवीर जी, और आपसे पूछ लिया जाए ये कविता है, आपने ये भी बता दिया। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि दादी की घड़ी, आपने लेसन सेकंड पढ़ा, इसमें क्या था, ये कहानी थी या कविता थी, ये आपको याद होना चाहिए, ये क्या थी, कहानी। उसके बाद आपने तीसरा जो चैप्टर रीड किया है वो है मेरी वसीयत। तो मेरी जो वसीयत लेसन जो आपका है वो क्या है, एक संस्मरण है, मतलब अपनी जीवनी के बारे में लिखा गया है। इसके बाद आपकी बुक का चैप्टर नंबर चैप्टर लेसन आपका 4 है और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है दो कविताएं। यहाँ पर जो हम दो कविताएं पढ़ेंगे वो हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर जैसे ही लेसन का नाम है दो कविता, वैसे ही यहाँ पर इस लेसन में दो कविताएं दी गई है। एक कविता जो है वो है किसके बारे में दी गई है, मेघ के बारे में। किसके बारे में, मेघ, मेघ का मतलब क्या होता है, बादल। तो मेघ का शब्द का अर्थ क्या होगा, बादल के बारे में।
और कदम, कदम का एक वृक्ष होता है उसके बारे में यहाँ पर कवि ने कविता के माध्यम से उसकी सुंदरता का वर्णन किया। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले हमने आपको नागार्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में समझाया। नागार्जुन जी का जीवन परिचय क्या था? तो जो नागार्जुन जी है उनका जन्म आपको पता ही है, उनका जन्म जेठ मास की पूर्णिमा को हुआ और तरानी जिला दरभंगा जो बिहार में पड़ता है यहाँ पर उनका जन्म हुआ 1911। आप इतना याद रखिए। और इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था? बैजनाथ था। इनको साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार भी मिले, वो कहाँ पर? भारत भवन भोपाल द्वारा इन्हें सर्वोच्च भारत भारती सम्मान एवं अनेक राज्यों के द्वारा इन्हें भारत भवन भोपाल द्वारा सर्वोच्च जो इन्हें मान सम्मान का पद दिया वो है भारत भारती। और इसके बाद इन्हें अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की राज्य सरकारों ने भी इन्हें सम्मानित किया, इन्हें सम्मान दिया। इनकी रचनाओं में कई उपन्यास, खिचड़ी, हजार नामों वाली कविता संग्रह, एक व्यक्ति एक योग, निराला, प्रेमचंद, लाल जीवनी, बाल जीवनी और रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपको जब भी किसी लेखक या कवि के जीवन परिचय के बारे में आपसे पूछा जाता है कि उनके जीवन परिचय के बारे में आप लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो उनका जन्म बताएंगे और जन्म में बताएंगे कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ, किस सन में हुआ, उसके बाद उनको क्या सम्मान मिला उसके बारे में, और उसके बाद आपको क्या करना है उनकी रचनाओं के बारे में आपको बता देना है। मृत्यु है उनकी, मृत्यु डेट ऑफ बर्थ जो भी दी गई हो उनकी मृत्यु को भी आपको जीवन परिचय का मतलब होता है उनके बारे में डिटेल देना, लेकिन इतना डिटेल भी नहीं कि ज्यादा डिटेल हो जाए। डिटेल से मतलब है कि थोड़ा बहुत उनका जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं, साहित्यिक उनका स्थान, यही जीवन परिचय में दिया जाता है। इसके बाद क्या है? अब कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ एक बार और फिर से समझ लीजिए। तरस, तरस का अर्थ क्या होता है? शब्द शब्दार्थ में सबसे पहला है तरस। तरस का अर्थ क्या होता है? तरस खाना मतलब उस पर दया का भाव दिखाना या दया पाने की जलक होना या अभाव का अनुभव। तरस मतलब दया या दया पाने की जलक, दया पाने की जलक और अभाव का अनुभव। इसके बाद दूसरा है हो का मतलब होता है गुस्सा, हो होना, क्रोधित होना, गुस्सा। तो हो मतलब गुस्सा, गुस्सा या क्रोध। कदम एक प्रकार का वृक्ष है, एक वृक्ष। इसके बाद तीसरा है दादुर मतलब मैठा, मैठा। अभिनंदन मतलब सम्मान करना, स्वागत करना, अभिनंदन, सम्मान, स्वागत। इसके बाद है
कंडो मतलब गेंद, गेंद गीता खाली, गीता मतलब खाली खाली या रिक्त। इसके बाद नामक मतलब बेमतलब बिना मत के, बिना या अधिकार है, इसके बाद कण। कण का अर्थ क्या होता है? कण मीन्स गला, दमा क्षमा, पहनी शाखा या डाली छोटी सी शाखा या डाली छोटी सी शाखा या डाली। गलचाई लचाई नाम क्या होता है? लालच से धनी, लालच से धनी। फिर है पंख। पंख का अर्थ होता है कीचड़, पंख कीचड़ में मतलब क्या है। ये आपके कुछ दो कविता जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कुछ शब्दार्थ है जिनका अर्थ आपको सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप कविता को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कविता की पंक्तियों में कुछ ऐसे वर्ड शब्द आते हैं जिनका अर्थ हमें मालूम नहीं होता। इसीलिए कविता या कहानी को पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्दार्थ दिए जाते हैं होते हैं, उनको जब हम उदाहरण समझ लेते हैं तो हम जब कहानी पढ़ते हैं या कविता को जब सुनते हैं गाते हैं तो हमें उस चीज का अर्थ समझ में आता है। तो सबसे पहले तरस। तरस का अर्थ है दया, दया पाने की दया किया और आपका अनुभव को गुस्सा क्रोध। कदम एक प्रकार का ये वृक्ष होता है नाम अभिनंदन सम्मान रीता खाली नाहा बिना हक के अधिकार मीन्स गला दमक चमक या चकाचौ पहनी छोटी सी शाखा या दारू। ललचाई कहते हैं ना जब किसी चीज के लिए हमारे अंदर लालच लगता है ना, ललक उठती है कि हम इसको पा ले या इसको खा ले, ऐसे ही ललचाई का यहाँ पर जो अर्थ हो रहा है क्या लालच से हर। उसके बाद पंख। पंख का अर्थ है कीचड़ और मेघ मतलब मेघ का अर्थ होता है बादल। तो आज हम जो सबसे पहले कविता पढ़ने वाले हैं सतीश पांडे जी मैम, समझ में आ रहा है? यस मैम। सतीश, यस मैम। ओके, आपकी वीडियो नहीं दिख रही है ना इसीलिए। आपको ये समझ में आया है ना शब्दार्थ जो मैं पढ़ा रही हूँ? ओके, तो शब्दार्थों का आपने अर्थ तो समझ लिया। अब हम जो कविता पढ़ रहे हैं उसका हमें संदर्भ प्रसंग सहित क्या करनी है? व्याख्या करनी है। ओके,
दिए जाते हैं उनका क्या करना है, अर्थ बताना। इसी से संबंधित हम एक बार और पूछ लेते हैं, ओके, किसमें है धातु, धातु का अर्थ क्या होता है? अभी मैं समझाई धातु का अर्थ क्या होता है, किसका मैं मैठक, ओके, मैठक कंठ गला, ओके, गला। इसके बाद टहनी, टहनी का अर्थ होता है शाखा, दाल जिसको बोलते हो ना, दाल या टहनी या शाखा, छोटी सी शाखा, इसी को टहनी बोलते हैं ना। और कंटक मतलब गेंद, गेंद जानते हो ना, बॉल। इसके बाद कोप करना, गुस्सा, क्रोध, गुस्सा, यस। इसके बाद है तरस, दया या पाने की ललक, आवाज नहीं आ रही ना, हाँ, तरस, दया या पाने की तलब, तरस खाना मतलब दया करना, कहते ना तरस खाना, तरस दया करना। और इसके बाद अभिनंदन, स्वागत, ओके, स्वागत, सम्मान। गीता जी मैम, खाली, ओके, खाली, बुक है क्या? नहीं मैम, हम बुक नहीं अभी खरीदे हैं। चलो ठीक है। और दमक का अर्थ क्या होता है? दमकना कहते ना, ये चीज बहुत दमक रही है, चमक रही है, इसकी चकाचौंध है, दमक मतलब उसकी चमक है ना। अब इसके बाद हम अपनी इसको क्या करते हैं, ये जो कविता है आपकी, सबसे पहले दी गई है मेघ के बारे में, मेघ बजे, ठीक है, इसको लिखते हैं, फिर इसका हम संदर्भ, प्रसंग सहित क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। क्योंकि जब कभी भी आपको एग्जाम में या आप अपनी नोटबुक बनाते थे, अभी भी बनाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको पहले कविता की कुछ पंक्तियां दी जाती थी, उनका आपको क्या करना पड़ता है, संदर्भ प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करनी पड़ती। तो अब आपको भी ये जो कविता दी गई है मेघ बजे, उसके बारे में आपको ये जो कविता दी गई है उसकी कविता की जो पंक्तियां हैं उनका उनको आपको क्या करना है, संदर्भ प्रश्न सहित व्याख्या करनी है, ओके। फिर इसके बाद दूसरी जो कविता आपको दी गई है फूले कदम, ये एक वृक्ष होता है कदम, आपने कृष्ण भगवान के उसमें सुना भी होगा कि वो कदम की डाली पर झूलते थे, ये वही वृक्ष कल्प वृक्ष जिसका नाम आप सुने होंगे ना, उसी तरीके का, तो उसके बारे में अलग से ये कविता दी गई, ठीक है। तो इसका अर्थ स्टार्ट करें, मेघ बजे, इसमें है दामिनी, दामिनी यह मेघ बजे धरती का हृदय खुला, धरती का हृदय खुला,
मेघ बजे पंख बना हरिचंदन, पंख बना हरिचंदन, मेघ बजे दिख रहा है बेटा। इसके बाद इसकी कविता की और थोड़ा सा बंदी अगर देखिए, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे क्या है ये जो है आपकी कविता की पंक्तियां है। ये पहली कविता है जो आप इस टॉपिक में पढ़ रहे हो, दो कविताएं, ठीक है। तो अब क्या करना है, कविता की इन पंक्तियों की हमें संदर्भ प्रश्न सहित क्या करनी है, व्याख्या। तो सुनाई भी नहीं देता ना, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो कविता की पंक्तियां दी गई हैं इनका हमें संदर्भ प्रश्न सहित उनकी व्याख्या करनी। तो आप सबसे पहले क्या डालते हो, संदर्भ डालते हो ना। संदर्भ में जब आप संदर्भ लिखते हो तो आप उसमें संदर्भ का अर्थ क्या होता है ये बता दीजिए मुझे। संदर्भ का अर्थ होता है उस चीज के बारे में परिचय दे देना कि जो हम ये पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हम अर्थ बता रहे हैं, ओके। तो संदर्भ का जो है अर्थ क्या होता है, संदर्भ का अर्थ होता है कविता का जीवन परिचय बता देना, ये कविता किसके द्वारा है, किस बुक से है, इसके लेखक सॉरी इसके कवि कौन है, लिखने वाले रचयिता कौन है, इन सारी बातों को हम जो है इसमें बताते हैं, ओके। तो अब सबसे पहले जब हम संदर्भ डालते हैं तो आप क्या बताते हो कि यह कविता हमारी पाठ पुस्तक जो आपकी बुक चल रही है वो कौन सी है, भाषा। तो आप ये बताते हो कि यह पुस्तक हमारी वो सॉरी ये कविता हमारी पाठ पुस्तक भाषा भारती पाठ चार तो कविता नामक पाठ से ली गई और इसके जो रचयिता है, रचयिता कौन है इसके, नागार्जुन जी, ठीक है। तो आपको संदर्भ में कितना हमको बताना है आप बता सकते हो ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमें उनका परिचय बताना है किसने लिखा है और ये किस बुक की है, आपको लेसन कौन सा है इसमें, इस टॉपिक का नाम क्या है। तो आप बस यही बता देंगे कि यह कविता हमारी पाठ पुस्तक भाषण भाषण भारती पाठ चार वो कविता नामक पाठ से ली गई है और इसकी जो रचयिता है वो नागार्जुन जी। नागार्जुन जी का जीवन परिचय तो याद है ना आपको, कहाँ पर हुआ था उनका जन्म, बिहार के दरभंगा करौनी गांव जो पड़ता है वहां पर उनका जन्म हुआ था 1911 में, वो भी जेठ मास की पूर्णिमा को, और उनके बचपन का जो नाम था वो क्या था, बैजनाथ मिश्र, ओके, ठीक है। और उनकी कविताओं के बारे में खिचड़ी प्रेमचंद जी के बारे में, ओके, बिल उनकी बहुत सी कहानियां उन्होंने लिखी, ये इनका संदर्भ में आपको समझ में आ गया। संदर्भ को कैसे बताते हैं, संदर्भ में केवल जो बुक का है, जो बुक चल रही है उसका नाम, लेसन कौन सा है और लेसन
पर्सन का नाम क्या है और इसके रचयिता कौन। तो आप इतना तो याद ही है, ठीक है। यह हमारी बुक भाषावादी के पार्ट चार, आपको ये भी समझाया जाना, पार्ट आपका चार। अब संदर्भ हो गया, इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो है हम क्या देंगे, प्रसंग बताएंगे। प्रसंग का मतलब होता है इसमें किस चीज का प्रसंग उठाया गया, क्या इसमें विशेष दिया गया है, उस विशेष बात पर चर्चा हो रही है, उसका प्रसंग मात्र, मतलब बड़ी से बड़ी बात को छोटे से रूप में बता देना, ये यहाँ पर प्रसंग है। और कविता को आप समझ लीजिए कि जब कविता कितनी सी है, कितने लाइन की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और शायद इसका विस्तार 13 से ज्यादा हो सकता है ना। तो कविता में क्या होता है, बड़ी से बड़ी बातों को हम छोटे से शब्दों में पंक्तियों के माध्यम से कह देते हैं, है ना। इसमें विस्तार नहीं होता कविता में, इसमें बड़ी से बड़ी बातों को बड़े ही सरल रूप से कह देना, कहां पर, कविता के माध्यम से अपनी बात बड़ी सफलता सफलता से बोल देना, ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं प्रश्न। प्रश्न में क्या बताएंगे कि इस कविता में मेघों के गरजने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। मेघ बारिश के समय का जो मौसम होता है, बारिश के समय का मौसम देखते हो ना, बारिश होती है, पेड़ पौधे बड़े हरे भरे दिखते हैं, डालियां झूमती हुई नजर आती हैं, मेंढक भी टर टर की आवाज करते हैं, ये सब भी तो देखते हो ना, कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जमीन के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन बारिश के समय ये ऊपर आ जाते हैं। तो प्रश्न में आप क्या बताएंगे, प्रश्न में ये किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में आपको बताना। तो प्रश्न में आपको साफ यही बता देंगे कि इस कविता के माध्यम से मेघों की मेघों का सौंदर्य वर्णन किया जा रहा है, या बता सकते हो कि मेघ के गर्जन मतलब बादलों के गर्जन के बारे में बताया जा रहा है, या बारिश के समय का मौसम कैसा हो जाता है, उसके उसका सौंदर्य का वर्णन बड़े सहज से किया जा रहा है, ये प्रश्न हो गया, ओके। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को हमें रखना नहीं कि अगर ऐसा है तो ऐसे ही भाव अर्थ, मतलब जो कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसको हमें लिखना, ओके ओके। इसके बाद है व्याख्या। व्याख्या में आप जो है क्या बताएंगे, व्याख्या में है अब आपको कविता की इन पंक्तियों को, अब एक एक शब्द का अब आपको व्याख्यान करना, बढ़ा चढ़ा के लिखना ही व्याख्या है, या किसी को हम व्याख्या की जगह हम भाव अर्थ भी लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, भाव मतलब यहाँ पर जो उसकी व्याख्या हो रही है उसका भाव। तो भाव अर्थ में कविता की इन पंक्तियों का भाव अर्थ हम कैसे समझाएंगे कि जिन जिन भाव धमक धमक मेघ बाजे और दामिनी यह गई दमक। तो आपने दामिनी का अर्थ पढ़ा ही होगा, दामिनी का अर्थ क्या होता है, दामिनी मतलब बिजली, ओके। मेघ ये आ गया पहला शब्द, मेघ मतलब बादल। अब आपने शब्द कहाँ से सीख रहे हो, जब आप शब्द पढ़ रहे हो, दामिनी मतलब बिजली, दामिनी मतलब बिजली, बिजली हो गई। दमक, यहाँ पर हमने दमक शब्द का भी अर्थ पढ़ा, दमक का अर्थ क्या होता है, दमक मतलब चमक, इसका चमकना दामिनी का, बिजली का। बादल मेघक,
दादू मैं ओके कंठ मतलब गला कंठ मतलब गला और मेघ बादल धरती वसुंधरा भूधरा धरती ओके ये हो गया धरती धरती पृथ्वी हृदय आप जानते ही होंगे मेघ पंख मतलब कीचड़ पंख कीचड़ हरी चंदन मतलब हरी चंदन मतलब जो हरी हरी को चंदन मस्तक पर जो चंदन लगाया जाता है वो हरी चंदन हरी चंदन मतलब प्रभु हरि कौन है बात हरि पर हरि के मस्तक का चंदन हरी चंदन में बजे थल का अभिनंदन तो अभिनंदन जो है अभिनंदन का अर्थ क्या होता है अभिनंदन शब्द में समझा अभिनंदन करना सम्मान सम्मान ये है आपके इसी कविता के पंक्तियों के माध्यम से देखो शब्द कितने सारे निकले जितना हमने अर्थ समझा सतीश पांडे सुख है ना सतीश पांडे यस मैम सुन रहे हो ना तो आप देखो यहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं उनका अर्थ मैंने आपको पहले ही समझाया शब्दों को एक बार और ले लिया अब आपको क्या होगा अब जब आप इतने शब्द इसके जो आ रहे हैं शब्द का अर्थ आपको मालूम हो गया जैसे तो अब आप इसकी व्याख्या आराम से कर सकते हैं अब क्या है दिन दिन धार धमक धमक मेघ बाजे दामिनी यज गई धमक मेघ बाजे दादुर का कंठ खुला मेघ बाजे धरती का हृदय खुला मेघ बाजे और पंख बना हरि चंदन मेघ बाजे फल का है अभिनंदन मेघ बाजे और दिन दिन धार धमक धमक मेघ बाजे यहाँ पर आप एक चीज पंक्ति में गौर करिएगा कि दिन दिन धार धमक धमक मेघ बाजे मेघ बज तो रहा है लेकिन किस पर दामिनी या गई धमक मतलब जब बिजली चमक गई तब बादल गरज रहा गर्जन जो बादल की गर्जन होती है उनका मतलब सुनी मेघ मतलब दामिनी जब बिजली चमक दादू मतलब मैडम की आवाज जो हमने सुना धरती पृथ्वी का जब हृदय खुला हृदय का मतलब उसकी आत्मा तब खुलती है ये वाला हृदय नहीं कि ये खुल जाएगा धरती पर इतनी गंदगी हो जाती है तब खुलती है बारिश के मौसम में तो उसका हृदय साफ हो ठीक है मेघ पर धरती के धुएं पर मैडम के धुएं पर दामिनी मतलब बिजली की गरज के पर क्या बचता है मेघ बचता है इसके बाद पंख बना हरिचंदन कीचड़ जो है वो क्या बन गया पंख मतलब कीचड़ क्या बन गया हरी चंदन जो हरी मतलब प्रभु के मस्तक पर जो चंदन लगाया जाता है वो कीचड़ क्या बन गया मेघ बजे कीचड़ के हरी चंदन बनने पर मेघ बजे इसके बाद फल का है अभिनंदन फल आप जानते ही होंगे इसके खेती के लिए किया जाता है ना खेती जुताई जिसमें होती थी ना उसी को हम क्या बोलते हैं फल बोलते हैं ठीक है तो फल के अभिनंदन में भी मेघ बज रहा है बस अब हमें इसका विस्तार थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कैसे बताएंगे कि गर्मी ऋतु के बाद गर्मी में क्या होता है व्याख्या में हम लिखेंगे कि गर्मी ऋतु के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो हमें हमारी प्रकृति में अनेक प्रकार के जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं ना अब आप ऐसे बढ़ा चढ़ा के बता सकते हो कि गर्मी ऋतु के बाद बारिश ऋतु या बारिश का जब मौसम ऋतु आती है तो उस समय हमें अपने आसपास या अपने
पर्यावरण अपने वातावरण में हमें अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो बारिश के समय पर जब बिजली गरजती है, बिजली की क्या होती है, गर्जना बिजली का नाम ही, बिजली जब गरजती है, चमकती है, बिजली जब गरजती भी है और साथ साथ चमकती है, तब क्या होता है, मेघ बचते हैं। जब मेघ मतलब बादल बारिश करते हैं तब क्या होता है, बिजली चमकने लगती है और बिजली की चमकने से क्या होता है, बिजली चमकने लगती है गांधी नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ओके।